सीहोर में पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरित किए। साथ ही उन्होंने कहा कि कुपोषण एमपी के माथे पर कलंक है, इस कलंक को हम सब मिलकर दूर करना होगा। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। अभी हम आदर्श स्थिति में नहीं हैं, लेकिन हमारे महिला एवं बाल विकास के अधिकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों से प्रदेश में कुपोषण को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें संकल्प लेना है कि प्रदेश को हम पूरी तरह से कुपोषण मुक्त करें, जिसके लिए सीएम शिवराज ने आंगनबाड़ी बहनों को ट्रेनिंग देने के साथ ही कुपोषण का सही डाटा एकत्रित करने की बात कही, जिससे कुपोषण को रोका जा सके। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ियों को गोद लेने वालों को भी बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सामाजिक लोगों को भी आगे आकर आंगनबाड़ियों को गोद लेना चाहिए, इससे आंगनबाड़ी व्यवस्थित होंगी। अगर ऐसा हुआ तो जन भागीदारी के सहयोग से हम एक साल में प्रदेश को कुपोषण मुक्त बना देंगे। पुरस्कार दिए जाएंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को राज्य स्तर पर, दो पुरस्कार की स्थापना कर, एक राज्य स्तर और एक जिला स्तर पर भी कॉम्पिटिशन होना चाहिए इसमें। और जो पुरस्कृत जिनको करेंगे उसमें सुपरवाइजर, सीडीपीओ, डीपीओ भी शामिल होंगे, ताकि बेहतर काम करने वाले को पुरस्कृत किया जाए। और आंगनबाड़ी की रैंकिंग करेंगे, और तीसरी ब्लॉक की भी आपकी संरचना है ना, तो ब्लॉक की आंगनबाड़ी उसमें नंबर 1, 2, 3, तो ये तीन स्तरों पे आंगनबाड़ी की रैंकिंग भी करेंगे। और सबसे अच्छी आंगनबाड़ी की, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को तो पुरस्कृत करेंगे, जो आंगनबाड़ी अडॉप्ट कर रहा उसको भी पुरस्कृत करेंगे। और उस लाइन में मैं भी हूं, तो मैं भी कोशिश करूंगा मेरी आंगनबाड़ी सबसे अच्छी हो। आइए हम सब मिलके कुपोषण के इस कलंक को दूर करें, अपने बच्चों को स्वस्थ बनाएं। प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ बच्चा स्पर्धा का कार्यक्रम रखा था, कोविड के कारण टल गया, लेकिन मेरा कहना है कि वो कार्यक्रम टल गया हो, अपन प्रयास तो अभी से करके अपनी आंगनबाड़ी के बच्चों को स्वस्थ कर दें। कार्यक्रम जब होगा तब एक बार और वजन ले लेंगे अपन। तो मैं सभी मित्र जिन्हें आंगनबाड़ियां एडॉप्ट किया उनको धन्यवाद देता हूं।